क्लास 11th कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यह आर्टिकल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप यहाँ पर बोर्ड पर देखें, यहाँ पर एक रफ वाल है। रफ वाल की मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप्लाइड। यहाँ पर एक मास है जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक मास है जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। खूब ध्यान से देखो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट फिर बाद में क्लियर नहीं होगा। एक वर्टिकल वाल है रफ, एक मास है। अब होता क्या है, इस मास को एक्सटर्नल फोर्स से प्रेस कर दिया गया, ऐसे नीचे प्रेस कर दिया गया। अब देखिए इस सिस्टम में टोटल कितने फोर्स लगे। एक तो यह एक्सटर्नल लग रहा है नीचे की ओर, स्प्रिंग का फोर्स एफ एस इसको ऊपर की ओर, एक्सटर्नल फोर्स एफ एस स्प्रिंग का फोर्स, ये एफ एस स्प्रिंग का फोर्स, और एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों को हम एफ एस लिखते हैं, ये कैपिटल एफ एस समझो, ये स्प्रिंग का फोर्स है और स्मॉल एफ एस ये फ्रिक्शनल फोर्स। एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो वर्क करेगा इस वाल का, इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से इस वाल पर ठीक इसी के बराबर रिएक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब जितने फोर्स है सबका एनालिसिस कर लेना चाहिए। एक फोर्स इधर, ये बॉडी से वाल पर इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करे। तो एक फोर्स और रह गया, वो एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जितने फोर्स हैं कौन कौन, नेट फोर्स देखिए क्या है, एफ ई एक्सटर्नल, एफ एस ये स्प्रिंग का फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। गिनो एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पर लगाया गया, ये स्प्रिंग का फोर्स, नॉर्मल फोर्स ये, और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर, नीचे आएगा तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू हाउ मच एम ए, एम ए को हम लोग पहले भी लिखे हैं वी डी बी बटे डी एस, वी डी बी बटे डी एस, ए डी बी बटे डी टी होता था, डी टी फिर डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये आता था। अब एफ नेट या नेट नेट फोर्स है इक्वल टू एम बी डी बी अपॉन डी एस, तो एफ नेट इंटू डी एस इक्वल टू एम बी डी बी, इंटीग्रेट कर दो दोनों और इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल एफ नेट डी एस इक्वल एम बी टू यू टू बी डी बी। अब देखिए मिलता क्या है इससे, आपको क्या मिलेगा इससे कि ये नेटवर्क डन है, एफ इंटीग्रल करोगे तो ये नेटवर्क डन है, इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, नेटवर्क डन इक्वल टू डेल्टा ई के, यानी ये वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। इसको इसलिए बता दिया गया कि इस तरीके के तमाम से क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हर एक फोर्सेस के बारे में जानना चाहिए। अब क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू नेट टोटल नेटवर्क इक्वल टू सभी फोर्सेस से जितने फोर्सेस सबसे वर्क कैलकुलेट कर लीजिए
पॉजिटिव वो पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव वो निगेटिव लिखिए, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। के एफ मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही प्रूफ हुआ था। अब क्या है कि आपका जो फार्मूला था उसे उसको हमने फिर से लिखा है, एफ ई प्लस एफ एस प्लस एफ जी प्लस एफ एन प्लस एफ एफ, द एफ जी को हम कर लिए स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग का और ग्रेविटेशन एक साथ कर लिए, नॉर्मल फ्रिक्शनल और एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू एम ए, और इसी से आपका वर्क डन, एफ ई से वर्क डन डब्ल्यू, ठीक है। और ये स्प्रिंग का डब्ल्यू सी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल से दोनों से दोनों का वर्क कंजर्वेटिव वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क है, ध्यान से देखिए कंजर्वेटिव से फोर्स वर्क है। और नॉर्मल का एफ एन जनरली जीरो होता है क्योंकि सरफेस के 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसका वर्क डन क्या होता है, जीरो। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये बराबर हुआ के एफ माइनस के आई। अब डब्ल्यू सी जो वर्क डन कंजर्वेटिव से होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो बताया था कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन इक्वल टू निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी चेंज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव वर्क। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, तो इसकी जगह हम माइनस ये लिख सकते, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन इक्वल टू यहाँ पर आपका आएगा क्या आएगा, के एफ प्लस यू एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस इसी तरीके से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसी तरीके से ये आपका आ जाएगा के एफ प्लस यहाँ पर हाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुन लो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद कीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल आपके आसान हो जाएंगे, इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये हो गया। आप देखिए जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शनल फोर्स भी ना हो और एक एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो क्या होगा, तब तो ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तब आएगा के एफ प्लस यू एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से अगर याद करोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही नहीं कि वो
यम मास को ऊपर से गिरा दिया गया एट हाइट से, तो बीच में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को टू कांस्टेंट। ये नहीं, ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो आपको इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कई बार दिखा रहे हैं, इसे याद करो। कंजर्वेशन के एफ माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यू एफ माने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, के आई मीन्स क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के यू आई क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बराबर होते हैं। यही जो लॉज हैं वो आप लगाइए, दो फार्मूले आपके पास हैं, एक फार्मूला यह है डब्ल्यू ई, ये जब एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव दिया हो तो यह लगा दीजिए, और ना और अगर सब जीरो हो तो डायरेक्ट यह लगाइए। ये दोनों फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे।